इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। इसलिए गीत बोल रहा हूँ इस बात को कि जब हम लोग आंदोलन चालू किए तो वही विपक्ष वाले जो आज पक्ष में हैं, हमारे पास इसी दरी पे आकर बैठ करके ये कहते थे कि आप आंदोलन करिए, हम साथ हैं, और वही साथी दगा दे गया। तो ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, नौकरी के आस में बेकार हुए हम। फरियाद नहीं होगा, अब आर पार होगा। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा सिंह। देखिए किस तरीके से जो सीटेड के अभ्यर्थी हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, गाने के माध्यम से ये जो शिक्षा मंत्री है उनको जगाने का काम कर रहे हैं। अब इनके गाने से क्या असर पड़ेगा शिक्षा मंत्री को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आइए इनका गाना सुनते हैं। शिक्षा मंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए क्या गाना गाए? सर हमारे पास तो बहुत से गाने हैं, लेकिन दर्द भरा गाना मैं गा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास अब इसके सिवा रह ही क्या गया है। कहा जाता है कि आगे नाथ में पीछे पगा, किस कारण नाचे गधा, तो इसी कारण नाचे गधा आगे नाथ में पीछे पगा। तो हम लोगों के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, अब पाने के लिए एक उम्मीद थी वो भी टूट गई है। और उम्मीद जब टूटती है मैडम तो बड़ा दर्द होता है। नाम क्या है आपका, आप कहाँ से हैं? देखिए हम हैं मनोज सिंह, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हम संगीत शिक्षक हैं, बी म्यूज हैं हम। क्या गाना गाने वाले हैं? हम दर्द रूपी एक गाना सुनाना चाहते हैं कि इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। इसलिए गीत बोल रहा हूँ इस बात को कि जब हम लोग आंदोलन चालू किए तो वही विपक्ष वाले जो आज पक्ष में हैं, हमारे पास इसी दरी पे आकर बैठ करके ये कहते थे कि आप आंदोलन करिए, हम साथ हैं, और वही साथी दगा दे गया। तो दगा किसी का सगा नहीं है, न माने तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, न माने तो कर देखो, दगा करने वाले का जाके घर देखो। इसलिए दगा वाले ठीक नहीं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने करीब आके दगा दे गए मुझे, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे, और जब मैंने अपनी मांगा तमन्नाओं का जवाब, जब मैंने अपनी मांगा तमन्नाओं का जवाब, तो कागज पे एक बगैर लिखा करे, हम नहीं जानते हैं आपको, जाइए। शिक्षा मंत्री हो चाहे उनके प्रवक्ता हो चाहे कोई करे, हम कहाँ आए हैं आपके यहाँ, हम कहाँ दरी पे बैठे हैं? उस पर मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मैंने अपनी मांगा तमन्नाओं का जवाब, तो कागज पे एक बगैर लिखा दे गए मुझे, कागज पे एक बगैर लिखा दे गए मुझे, और ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। हमारे जितने भी हमारे नेतृत्व मंडल है, बार बार सचिवालय जाता है, मंत्रालय जाता है, उस पर चार लाइन कहना चाहते हैं कि सचिवालय जा जा करके अभ्यर्थी हैं लाचार, सचिवालय जा जा करके अभ्यर्थी हैं लाचार, और शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार। तो अंतिम मरता क्या न करता, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम, ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। और उनको चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब हम लोग आंदोलन कैसे करेंगे, पहले बहुत निवेदन किए, हाथ जोड़े गोड़ पड़े, लेकिन कहा जाता है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अब फरियाद नहीं होगा, अब आर पार होगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी थे और ये गाना के माध्यम से अपने जो शिक्षा मंत्री है, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और इनका गाना सुनिए और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इनका गाना कैसा लगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। धन्यवाद।